एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक जहांगीराबाद में स्थित खालोर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 11 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 40 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने राजवती देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 15,000 की आबादी एवं 7,000 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 219 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 93 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 8 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 800 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विद्यालय में मरम्मत कार्य, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के 25 इज्जत घरों व 5 लोहिया आवासों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, तालाब, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, पशु चिकित्सालय, स्कूल में फर्नीचर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पुत्र खालो, विकास खंड जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, जिला बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। मेरे गांव में खड़ंजे इंटरलॉकिंग हो गए हैं, नाली हो गई हैं और हमारे यहाँ पे जो नलकूप खराब हुए थे वो सब सही करा दिए, जो सरकारी नलकूप। और हमारे गांव में काम अभी चल रहे हैं, शौचालयों का काम अभी शुरुआत हुआ है, 25 शौचालय का काम स्टार्ट हो गया है और आगे और हमें 600 शौचालयों की ज़रूरत है जो गांव में बनवाने हैं। और अभी गांव में अभी काफ़ी मांगे हैं जैसे प्रधानमंत्री आवासों की है, जो अभी तक गांव में एक भी नहीं बना है। 5 हमने मकान बनाए हैं लोहिया आवास योजना से, 5 मकान बन चुके हैं। अभी कम से कम हमारे गांव में 50 ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास अभी मकान नहीं है, या टूटा हुआ है या बिल्कुल कच्चे में रह रहे हैं, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। और हमें कम से कम हमारे गांव में 100 लाइटों की ज़रूरत, स्ट्रीट लाइटों की भी ज़रूरत है और तालाब की सफाई के लिए भी हमारे गांव में कोई निकासी पानी के लिए नहीं है, जिसमें तालाब की पानी की व्यवस्था की जाए। और हमारे गाँव में अभी स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, जो स्वास्थ्य केंद्र जो होना चाहिए था। हमारे गांव की बहुत बढ़िया गांव में आबादी है जिसमें पशु चिकित्सा केंद्र नहीं है और ना ही कोई बारात घर के जो सुविधा है, जो गरीब आदमी है उसके लिए बेटी बहन बेटियों के लिए बारात रुकने के लिए सुविधा हो। और शमशान घाट के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि शमशान घाट भी हमारे गाँव में नहीं है। पानी निकासी के लिए नाले भी चाहिए, अभी अभी नहीं बन पाए हैं। स्कूल में फर्नीचर की भी, हमारे गांव में 3 स्कूल हैं, प्राइमरी नंबर 1, प्राइमरी नंबर 2 और जूनियर हाई स्कूल, जिनमें फर्नीचर के लिए अभी कुछ भी नहीं है और बच्चे नीचे बैठते हैं। और हमारे गांव में कूड़ेदान भी अभी नहीं है, जिसमें अभी कूड़ेदान के लिए भी मांग रखी जाएगी। गांव में शौचालय और का काम शुरू हो चुका है और अभी गांव में सफाई कर्मचारी भी नहीं है, सफाई कर्मचारी भी हमारे लिए लगभग 8 या 7 होने चाहिए। ग्राम प्रधान का मानदेय भी बहुत कम है, जो 3500 रुपये आ रहा है, इसमें क्या खर्चा होने वाला है। कम से कम ग्राम प्रधान का मानदेय भी 10,000 होना चाहिए, इससे ग्राम प्रधान को आने वाले कार्य में भी दिक्कत होगी। उसके भी थोड़ा जो 24 घंटे कार्य टाइम देता है उसको लिए कम है इतना मानदेय, जो कि एक सफाई कर्मचारी को भी लगभग 15 से 18 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो इस आधार पर प्रधान को भी लगभग 10,000 रुपया होना चाहिए। रोड में पोखर है जो पूरे गांव का पानी आता है और इसमें बिल्कुल अति पड़ी हुई है, ये इसमें कोई भी जगह नहीं है जिससे कि पानी का रास्ता निकले। हमारे गाँव की सभी नालियाँ अति पड़ी हुई हैं और रास्ते में पानी चलता है, रास्ते में सारा पानी चलता है। सफाई भी हो तो कहाँ तक हो, और प्रधान भी कहाँ तक कराए बताओ। इसकी कोई सुनवाई नहीं करता, आगे भी बहुत कई बार लिख के दे चुके हैं, जिससे कि जो इसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। और गांव में बहुत बड़ी समस्या है नाली पानी की,
इसका निकास अगर ये सफाई होती रहे तो नाले की भी पानी की रुकावट खत्म हो जाएगी।